गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस काल का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में उसे में प्रारंभ होकर भूतकाल में ही समाप्त हो गए हैं। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि में होता है तथा काम के जारी रहने का समय दिया गया होता है। पहला इसमें वाक्य आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब सकारात्मक या जो है प्लस जो है पॉइंट वो वाक्य। पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस में प्रत्येक कर्ता, कर्ता यानी होता है सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फॉर और सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की भांति किया जाता है। जैसे उदाहरण है, वी हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर टू हॉर्सेस, हम मैदान में दो घंटे से खेल रहे थे। इसमें जो रूल है रहे थे, रहा था, ये आना चाहिए। ठीक, तो रहे थे तो वी हैड, इसमें हैड का प्रयोग करना है। Been, we had been play. इसका जो वर्ब है क्या है, प्ले, प्ले में ing, in the field for two horses, समय भी दिया है। Since और for जो है वो समय के लिए होता है। ठीक है, ये सेकंड। हाँ, सीता 5 बजे से गा रही थी। अब इसमें रही थी पे फोकस करते हैं। ठीक, सीता had been singing, वर्ब क्या है, sing, ing, since 5 o'clock, जब मॉर्निंग में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, since लिखते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव नकारात्मक होता है, इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, हैड और बीन के बीच में किया जाता है। यू, जैसे तुम इस विद्यालय में 4 साल से नहीं पढ़ रहे थे, तो यू हैड बीन, हैड नॉट बीच में आएगा, हैड नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years. Second, माली प्रातः काल से पौधों को पानी नहीं दे रहा, तो the gardener had not been, ठीक, had been के बीच में not को लिखना है। Watering in the, water में ing का प्रयोग हुआ है, in plant since morning, तुम इस कार्य को 2 घंटे से नहीं कर रहे थे, you had not been doing this work for 2 horses. इसमें वर्ब क्या है, डू। फोर, रमेश इस विद्यालय में 1988 से नहीं पढ़ रहा था, तो रमेश हैड नॉट बीन, ठीक, टीचिंग, इसमें वर्ब है TEACH, टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1988। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्यों में हेड का प्रयोग करता यानी सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। यदि कोई प्रश्न सूचक शब्द प्रयोग करना होता है तो उसे हेड से पहले लिखा जाता है। नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग बीन के पहले किया जाता है। क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क, तो हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours, तो अब इसमें हेड जो है वो फर्स्ट में आएगा, हेड, व्हाट, हू। सेकंड, क्या किसान जुलाई से अपना खेत नहीं जोत रहा था, हैड द फार्मर नॉट बीन प्लगिंग इन फील्ड सिंस जुलाई। थर्ड, आप शुक्रवार से क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैड, क्या को क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं ना। व्हाट हैड यू बीन रीडिंग सिंस फ्राइडे, रीड इसमें वर्ब है। नेक्स्ट, लड़का प्रातः काल से क्या नहीं कर रहा था, व्हाट हैड द बॉय नॉट बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। आज के लिए इतना ही, आपको ये नोटबुक में नोट करिए और शब्दों पे जरूर ध्यान दीजिए, स्पेलिंग जरूर देखिए, लिखिए अच्छे से, नियमों को अच्छे से पढ़िए और परीक्षा की तैयारी कीजिए।